एक्सरसाइज वन एफ क्वेश्चन नंबर एट फाइंड ट्वेल्व रेशन नंबर्स बिटवीन माइनस वन एंड टू तो माइनस वन और टू के बीच में ट्वेल्व रेशनल नंबर्स निकालना है इसका जो रेशनल नंबर्स का के नंबर्स हैं वो ज़्यादा हैं तो ज़्यादा हैं तो इसका मतलब हुआ कि इनको हम किस तरह से करेंगे इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करते हैं सबसे पहले तो सोलूशन में देखें कौन कौन से नंबर हैं आपको है। इनका क्या है? सकते हैं और इसका डिनोमिनेटर टू का डिनोमिनेटर क्या है टू अपान वन है भाई जिसका डिनोमिनेटर नहीं लिखा होता उसका डिनोमिनेटर वन राइट करते हैं तो का कहा जाता तो है इक्वल हो तो इक्वल है डिनोमिनेटर इसका मतलब हमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है यहां पर क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल है दोनों के वन वन है लेकिन इनके बीच अगर नंबर्स हम देखें नंबर्स देखें तो कितने नंबर्स होंगे इसमें तो माइनस वन और टू के बीच में अगर नंबर्स हम देखते हैं कितने बनेंगे तो भाई जैसे जीरो हो गया जीरो के बिफोर आएगा माइनस वन आएगा या माइनस टू आएगा लेकिन यहां पर क्या आएगा वन टू तो अगर नंबर्स देखें तो माइनस वन और टू के बीच में कौन कौन सा नंबर हो गया एक नंबर हो गया जीरो और दूसरा नंबर हो गया वन माने टू रेशन नंबर अकेले हैं तो जब टू रेशन नंबर अकेले हैं इनके बीच में और हमको कितने फाइंड करने हैं ट्वेल्व रेशन नंबर फाइंड करने हैं तो जब इनका डिनमिनेटर्स इक्वल है ऑलरेडी इक्वल है इनका डिनमिनेटर्स इक्वल है तो हम क्या करें इनके शेप को बढ़ा दें तो जिसके जब शेप बढ़ाएंगे दोनों का शेप बढ़ाएंगे तो शेप बढ़ाने से क्या होगा उससे फिर उनके बीच में रेशनल नंबर ज्यादा आ जाएंगे इसमें मालूम हम टेन का मल्टीप्लाई कर दें दोनों में किसका मल्टीप्लाई कर दें टेन का मल्टीप्लाई कर दें सेप बढ़ाने हम जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा माइनस वन अपान वन इंटू टेन इंटू टेन ये कर दिया एंड दूसरे में भी यही करना पड़ेगा टू अपान वन इंटू टेन इंटू टेन शेप बढ़ाया आपने मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई करके इससे शेप बढ़ाया तो देखिए माइनस टेन वंजा टेन अपॉन टेनवंजा टेन एंड टू जा ट्वेंटी अपॉन टेन वंजा टेन शेप बढ़ गया शेप बढ़ने के बाद में देखा माइनस टेन अपॉइन टेन है एंड ट्वेंटी अपॉन टेन है अब इसमें राइट करें कि कितने रेशन नंबर्स अब जितने रेशन नंबर्स से आए हम निकाल सकते हैं तो ट्वेल्व रेशन नंबर्स से यहां निकालना है तो इन दोनों के बीच में माइनस टेन अपॉइन टेन और ट्वेंटी अपॉन टेन के बीच में टन नंबर्स लिख लें मान लो ज्यादा भी आ रहे हैं रेशन नंबर्स तो हमें कोई उसमें ट्वेल्व हमको रेशन नंबर्स उसमें राइट करना है तो जैसे सपोज करिए कि कोई भी आप नंबर लाइन जैसे शो करते हैं तो होता क्या है कि जीरो आए आपका और जो राइट right साइड में चलते हैं तो ये हो जाता है वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे करके चलता है अगर मान लिया जो उनका डिनोमिनेटर जिस तरह से उस तरह से राइट करें तो ये हो जाएगा वन अपॉइंट टेन टू अपॉइंट टेन थ्री अपॉइंट टेन ऐसे करके चलता जाएगा फोर अपॉइंट टेन फाइव टेन ऐसे करके चला जाएगा ट्वेंटी अपॉइंट टेन तक और जो लेफ्ट साइड में चलेंगे तो लेफ्ट साइड में कहाँ माइनस के नंबर शुरू हो जाएंगे तो यह हो जाएगा माइनस वन अपॉइंट टेन माइनस टू टेन माइनस थ्री टेन और ऐसे ही चलता जाएगा लास्ट तक जब आगे बढ़ते जाएंगे तो कहाँ तक पहुँच जाएगा माइनस टेन टेन तक पहुँच जाएगा तो ये नंबर लाइन में आपने शो किया इस तरह से ये नंबर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं आगे बढ़ते चले गए वहां कहां तक हो गया ट्वेंटी पॉइंट टेन तक हो गया इधर साइड में हो गया माइनस टेन टेन तक हो गया तो अब इनके बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड करना है क्या है ट्वेल्व ट्वेल्व रेशनल नंबर्स ट्वेल्व रेशनल नंबर्स बिटवीन तो जो आपने शेप बढ़ाया है उनके बीच में राइट करें माइनस टेन अपॉइंट टेन एंड ट्वेंटी अपॉइंट टेन इनके बीच ट्वेल्वेशन नंबर से आपको राइट करना है तो राइट कर लें तो माइनस टेन अपॉइंट टेन के इधर यानी जो राइट साइड में चलेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस नाइन अपॉइंट टेन आएगा फिर माइनस एट पॉइंट टेन माइनस सेवन अपॉइंट टेन माइनस सिक्स अपॉइंटेन माइनस फाइव अपॉइंटेन माइनस फोर पॉइंट टेन माइनस थ्री पॉइंट टेन माइनस टू पॉइंट टेन माइनस वन अपंट टेन जीरो फिर वन टेन टू पॉइंट टेन थ्री पॉइंट टेन ऐसे करके आता चला जाएगा तो कोई भी नंबर उनके बीच के लिखने होते हैं लेकिन हम इसको क्रम से लिख देते हैं सीरियली बाई सीरियली लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस नाइन अपॉइंट टेन माइनस एट अपॉइंट टेन माइनस सेवन अपॉइंट टेन माइनस सिक्स टेन माइनस फाइव टेन माइनस फोर टेन माइनस थ्री अपॉइंट टेन माइनस टू अपॉइंट टेन माइनस वन अपॉइंट टेन यहां तक तो पहुंच गया तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन हो गया हमें ट्वेल्व बनाने हैं तो फिर इसका जीरो आता है जीरो के बाद में वन अपॉइंट टेन फिर देन टू अपॉइंट टेन कितने हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व हमारे पास और भी ज्यादा नाइनटीन अपॉइंट टेन तक रहेगा उसमें लेकिन हमको कितने राइट करना है ट्वेल्व राइट करना है तो ट्वेल्व आपने राइट कर लिया तो यही नंबर आपके इनके बिटवीन रेशनल नंबर हो गए अगर सपोज करिए कि जैसे कि माइनस नाइन टेन है यह सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है माइनस एट पॉइंट टेन है टू से डिवाइड हो सकता है तो टू फोर जाट टू फाइव जा तो माइनस फोर पॉइंट फाइव आ जाएगा ये भी सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो माइनस सेवन अपॉइंट टेन रहेगा ये सिंप्लीफाई हो जाएगा तो अगर सिंपलीफाई हो जाता है तो सिंपलीफाई भी कर सकते हैं लेकिन कोई कंपलसरी नहीं है जैसे ये राइट कर दिया यही आंसर हो जाएगा आपका क्योंकि माइनस टेन अपॉइंट टेन एंड ट्वेंटी अपॉइन्ट टेन जो इसका मूल रूप क्या था माइनस वन एंड टू था इन दोनों के बीच में रेशन नंबर इतने आ गए यही आंसर हो गया